नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान को करारा झटका दिया है। जलवायु परिवर्तन पर अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत जॉन कैरी भारत बांग्लादेश की यात्रा करेंगे, लेकिन इस महासंकट से जूझ रहे देशों में शामिल पाकिस्तान नहीं जाएंगे। जानकारी के मुताबिक कैरी जलवायु संकट पर चर्चा करने के लिए 1 से 9 अप्रैल के बीच भारत, बांग्लादेश और UAE की यात्रा पर जाएंगे। चीन से दोस्ती पाकिस्तान को एक बार फिर भारी पड़ने लगी है। चीन से नजदीकियों ने पाकिस्तान को अमेरिका से दूर कर दिया है। यही कारण है कि अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को करारा झटका दिया है। क्लाइमेट चेंज पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी भारत बांग्लादेश की यात्रा करेंगे, लेकिन इस महासंकट से सबसे ज्यादा जूझ रहे देशों में शामिल पाकिस्तान नहीं जाएंगे। जॉन कैरी जलवायु संकट पर चर्चा के लिए 1 से 9 अप्रैल के बीच भारत, बांग्लादेश और UAE की यात्रा पर जाएंगे। जलवायु परिवर्तन पर शिखर सम्मेलन में इमरान खान को न्योता नहीं देने को लेकर एक बार फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान को शर्मिंदा होना पड़ा है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने इसे पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका बताया है। दक्षिण एशियाई मामलों के अमेरिकी विशेषज्ञ माइक कुगेलमैन ने कहा, पाकिस्तान को व्हाइट हाउस के वैश्विक जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में न्योता नहीं दिया गया है। अमेरिका के जलवायु दूत जॉन कैरी चर्चा के लिए भारत और बांग्लादेश जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने भी बताया, 22 और 23 अप्रैल के बीच जलवायु परिवर्तन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आयोजित नेताओं के शिखर सम्मेलन और इस वर्ष के अंत में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले कैरी इस मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए इन देशों की यात्रा करेंगे। कैरी ने ट्वीट किया, जलवायु संकट से निपटने के लिए अमीरात, भारत और बांग्लादेश में दोस्तों के साथ सार्थक चर्चा को लेकर उत्साहित हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा दक्षिण एशिया से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग को भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। व्हाइट हाउस के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोलोसोनार, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत 40 नेताओं को शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। क्लाइमेट चेंज के शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान का बहिष्कार करना पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। पाकिस्तान चीन से दोस्ती और आतंकवाद को पनाह देने को लेकर पहले ही सवालों के घेरे में था और इसीलिए अब वो अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।